कक्षा 11 वाले थे हमने, कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक प्रकरण हम लोग पढ़ रहे थे। कुछ दोहे हम लोग पढ़े और उसके बाद के दोहे हम देखते हैं। लंबा मार्ग दूरी भर विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ है दीदार। लंबा मार्ग दूरी घर, कबीरदास जी इसमें ईश्वर का साक्षात्कार कैसे होगा, वो कैसे प्राप्त होगा, कितनी दूर हमसे है, कितने कितना हमें श्रम करना पड़ेगा उस तक पहुंचने में, कबीरदास जी इसी के बारे में वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं इसमें कि उस ईश्वर का घर बहुत लंबा, लंबा मार्ग, उसके घर का मार्ग जो है वो बहुत लंबा, दूरी घर और जो घर की दूरी है वो बहुत ज्यादा है। विकट पंथ बहु मार्ग, विकट विकट माने क्या होता है, कष्ट देने वाले, कष्ट देने वाले, पंथ पंथ माने रास्ता, और मार मार माने डांटे। लंबा मार्ग दूर है विकट पंथ बहु मार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ है दीदार। उस ब्रह्म का, उस ईश्वर का मार्ग बहुत लंबा, क्यों, क्योंकि उसका घर बहुत दूर है और उसके घर के जाने में जो रास्ते हैं वो बहुत कठिनाई वाले हैं, कष्ट देने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उस रास्ते में बहुत से डकैत हैं, बहुत से डाकू हैं जो कि छीन लेते हैं सब कुछ। कहो संतों के उपाय दुर्लभ भर दीदार, हे संतों बताइए कि उस दुर्लभ ईश्वर का दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसका रास्ता बहुत दूर है, उसको इतनी आसानी से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसको प्राप्त करने में हमें बहुत कठिनाई प्राप्त बहुत कठिनाई झेलनी पड़ेगी। और क्यों, क्योंकि उसके रास्ते में तमाम वो विकट, उसका जो रास्ता है बहुत विकट है, कष्ट देने वाला है, और उसके रास्ते में तमाम ऐसे डकैत हैं, तमाम ऐसे डाकू हैं। अब वो डाकू कौन से हैं, ईश्वर के मार्ग में जाने वाले, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या, ये जो 6-7 डाकू हैं ये उस ईश्वर तक हमें पहुंचने में पहुंचने ही नहीं देते हैं, रास्ते में ही रोक लेते हैं। जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं तो ये जो डकैत हैं ये क्या करते हैं, हमें रास्ते में ही रोक देते हैं। हम ईश्वर तक कभी पहुंच सकते हैं जब इन सारे कष्टदायी रास्तों को झेलते हुए सबको पार करके हम चले जाए, तभी हमें ईश्वर का दर्शन हो सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, उस ईश्वर का रास्ता तो बहुत लंबा है, घर बहुत दूर है, रास्ते में रास्ते बहुत कठिनाई वाले हैं, उस रास्ते में तमाम ऐसी अड़चने हैं जो हमें वहां तक पहुंचने नहीं देती है। हे संतों अब आप ही लोग बताइए उस दुर्लभ ईश्वर का दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। एक बार आप देखें, लंबा मार्ग दूर है विकट पंथ बहुमार, उस ईश्वर का रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कठिनाई देने वाला है, रास्ते में तमाम ऐसे काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या रूपी ऐसे डकैत हैं जो कि उसके रास्ते में रास्ते को रोक देते हैं, उसके तक पहुंचने नहीं देते हैं। हे संतों, हे भक्तों, अब आप ही बताइए कि हम उस दुर्लभ ईश्वर का दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो या कैसे प्राप्त करें। दूसरा देखिए, यह तन जारो बसी करो, लिखो नाम लिखो राम का नाम, लेखन करो करंग की लिख लिख राम पठाओ। यह तन जारो मस करो,
यह तन जानो मसी करम, मसी माने होता है स्याही, मसी माने स्याही। यह तन जानो मसी करम, लिखम राम का नाम, लेखन करम करम, लेखन माने कलम, कारण बात देखें। कविता जी कहते हैं कि ईश्वर इतने आसानी से नहीं मिल सकता है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत कठिनता से ईश्वर का दर्शन होता है, बहुत आसानी से नहीं प्राप्त हो सकता है। अब इस दोहे के माध्यम से बता रहे हैं कि यह तन जानो मसी करम, अपने इस शरीर को जला दो, अपने इस जो ये शरीर है, जो लासमान शरीर है, इसको जला दो, और जला करके क्या करो, मसी करो, इसी की स्याही बना दो, इस शरीर को जला दो, जला करके शरीर की स्याही बना दो, और लिखाओ राम का नाम, और उस स्याही से राम का नाम लिखो, और लेखन करो करण की, और जो लेखनी है, जो कलम है, वो किसकी बनेगी, हड्डियों की बनेगी, जो हमारी हड्डियां है वो लेखनी, उसकी हम बनाएंगे, और लिख लिख राम पठाओ, और उसी के द्वारा हम राम के पास अपना जो निवेदन है, राम के पास हमको हम भेजेंगे, हमको भेजना है, तभी हमको ईश्वर का साक्षात्कार मिल सकता है, अन्यथा इतनी आसानी से ईश्वर का दर्शन हमें नहीं प्राप्त हो सकता है। एक बार फिर देखें, यह तन जानो मसी करम, लिखम राम का नाम। कविता जी कहते हैं कि अपने शरीर को जला दो, अपने शरीर को, ये जो तुम्हारी जो भौतिक शरीर है, जो नाशवान शरीर है, इसको क्या करो, तुम जला दो, और उसको जला करके तुम लेखनी बना दो, स्याही बना दो, और राम का नाम लिखो, और लेखन करम करम की लिख लिख राम पठाओ, और जो लेखनी है, जो कलम है, वो करक माने हड्डी की बना दो, और उसी से राम का नाम लिख करके राम के पास भेजो, तभी तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार मिल सकता है, अन्यथा ईश्वर से दूरी ही बनी रहेगी। अगला आप देखिए, कै विरहिन कु मीच दे, कै आपादिक लाय, आठ पहर का दाग लड़ा मुंहे सहा न जाए। अब यहां कबीरदास जी अपने को विरहिणी मान रहे हैं, और ईश्वर को अपना प्रियतम मान करके संबोधित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कै विरहिन कु मीच दे, मीच मीन्स होता है मृत, मीच मृत, कर आपादिक लाय, आठ पहर का दाजड़ा, दाजड़ा दाजड़ा माने कष्ट, दाह मुंह पे सहरा ले जाए। कविता जी यहां अपने को विरहिणी मान रहे हैं, और जब ईश्वर का दर्शन नहीं, प्रेमी का दर्शन नहीं मिल रहा है, तो ये कह रहे हैं कि कै विरहिणी को मीच दे, या तो आप इस विरहिणी को मृत दे दो, अगर आपको दर्शन नहीं देना है, मैं हमेशा आपकी पुकार में लगा हुआ हूं, अगर आपको दर्शन नहीं देना है तो आप हमें आकर के मृत दे दो, कै विरहिणी को मीच दे, कै आपा दिखला, या तो हमको मृत्यु दे दो, या आपा दिखला, या अपने आप का दर्शन करा दो, या अपने आप को दिखा दो, अगर अपने आप को नहीं दिखाते हो तो आ करके मुझे मृत्यु दे दो, क्यों, क्योंकि अब विरह वेदना सही नहीं जाती, कै विरहिणी को मीच दे, कै आपा दिखला, या तो आप आकर के हमें मृत्यु दे दो, अथवा आकर के अपना दर्शन करा दो, क्यों, क्योंकि आज पहाड़ का बाजड़ा मुंह पे सहा मिल जाए, ये जो आज पहाड़ का दा है, ये वाटो पहाड़ का आपके विरह में जो मैं कष्ट झेल रहा हूं, यह अब सहा नहीं जाता है, इसलिए है प्रभु
या तो आप अपना दर्शन दीजिए या तो आकर के हमको मृत्यु दे दीजिए, दो में एक कीजिए। क्यों? क्योंकि अब आपके विरह में या आपकी दूरी अब बर्दाश्त नहीं होती। ये जो आठों पहर का कष्ट है, आठों पहर की जो जान है, आठों पहर का जो दाह है, यह अब बर्दाश्त नहीं होता। यह मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए या तो आकर के आप हमें मृत्यु दे दीजिए या अपना दर्शन दिखला दीजिए। एक और आप देख लीजिए, कबीर ने एक सिंदूर की काजल दिया नजार, नयन रमैया हम रहा दूजा कहां समाए। कबीरदास जी का जब यहां कबीरदास जी अपने को प्रियतम मान रहे हैं और भगवान को प्रियतम मान रहे हैं, अब इसमें वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से स्त्रियां अपने माल में सिंदूर लगाती हैं, तो सिंदूर केवल माल में सिंदूर ही लगाया जाता है तो वहां काजल नहीं लगा सकती है। क्यों? क्योंकि वह उनके सौभाग्य का सूचक होता है सिंदूर। सिंदूर की जगह काजल वो नहीं लगा सकती है। कभी दासी करते कभी ने सिंदूर की काजल दिया न जाए, नयन रमैया रम रहा दूजा कुमार समान। कविता जी कहते हैं कि जिस प्रकार से स्त्रियों की मांग में केवल सिंदूर ही दिया जा सकता है, वहां काजल नहीं दिया जा सकता, वहां काजल नहीं लगाया जा सकता है, उसी प्रकार से हे प्रभु आप हमारे नेत्रों में बस गए हैं, अब नयन रमैया रम रहा दूजा कहां समान। आप तो हमारे नेत्रों में रमण कर रहे हैं, अब हमारे नेत्रों में दूसरा कौन आ सकता है, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं हमारे नेत्रों में समा सकता है। उसी प्रकार से जैसे जैसे मांग में सिंदूर दिया जा सकता है, वहां काजल नहीं लगाया जा सकता है, जिस प्रकार से सौभाग्यवती स्त्रियां अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं, सिंदूर की जगह वो काजल नहीं लगा सकती, उसी प्रकार से ले प्रभु आप हमारे नेत्रों में बस गए हो, अब आकर के आप हमें दर्शन दीजिए। उसी प्रकार से आप हमारे नेत्रों में बस गए हो, जैसे मांग में सिंदूर लगाती है कच्ची काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार से आप हमारे नेत्रों में आकर के बस गए हो, अब हमारे नेत्रों में आपके सिवा किसी दूसरे का स्थान नहीं हो सकता, इसलिए अब आप आके हमें अपना दर्शन दीजिए। शेष।